हाय स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने बोला था आपको कि आपका इंग्लिश का क्लास आज से स्टार्ट होगा, तो उसी हिसाब से अभी हम आज से इंग्लिश का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा आपका वो रहेगा सैटरडे को और उसमें आपका इंग्लिश का जो मतलब ये वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो वाला क्लास मैं लाइव लूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में यानी पहले वाला क्लास में जितना हो सके मैं पढ़ाऊँ और नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में कुछ टिप्स भी आपको बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, यानी इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग पहले हमको जानना पड़ेगा, ये क्यों लास्ट लेसन इसका नाम है। इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है, जो एक सर मिलेगा आपको, उन सर का वो एक फेमस सर थे जो एक स्कूल में पढ़ाते थे और उस स्कूल का जो सर है उस सर का जो लास्ट वाला जो क्लास है स्कूल का, यानी जब वो रिटायर करने वाले थे उससे पहले वाला जो लास्ट क्लास है उसी के ऊपर बेस्ड करके ये वाला चैप्टर लिखा गया, ये वाला स्टोरी लिखा गया। उसको ही आगे जाकर हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये सर का लास्ट क्लास है स्कूल का, उनका करियर का लास्ट क्लास है, इसलिए इसको नाम दिया गया द लास्ट लेसन। तो इस जो चैप्टर है इसको लिखा गया है अल्फांसो डोडेट नाम के एक ऑथर है, उन्होंने लिखा ये वाला जो प्रोज है। काफ़ी फेमस ऑथर थे वो, तो पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है इधर पे। Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्फांसो डोडेट जो है वो एक काफ़ी मतलब नामी दामी फ्रेंच नॉवलिस्ट थे जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और ये जो द लास्ट लेसन जो लिखा गया है वो तब लिखा गया था जब फ्रेंको प्रुशियन वॉर चल रहा था और फ्रांस को प्रुशिया ने डिफीट कर दिया था, यानी फ्रांस को प्रुशिया ने हरा दिया था और प्रुशिया के साथ में था तभी बिस्मार्क, यानी प्रुशिया और बिस्मार्क मिलकर फ्रांस को हराया थे। अभी जो प्रुशिया है वो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट्स को मिलकर जो देश है उसको साथ में कहा जाता है प्रुशिया। अभी हम आते मेन स्टोरी पे। तो मेन स्टोरी पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, कुछ विलेजर्स मिलेंगे और सर मिलेंगे एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन स्टोरी को। मैं आपको स्टेंजा वाइज पैराग्राफ वाइज में समझाता जाऊंगा आपको। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the swam mill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried ऑफ़ टू स्कूल। तो पहले पैरा में, पहला पैराग्राफ में क्या कहा गया हम समझते हैं अब। तो इसमें क्या कहा है कि एक स्टूडेंट है जो स्टूडेंट मतलब यहाँ पर ऑथरी समझ लो, मतलब एक स्टूडेंट है जो एक स्कूल में पढ़ता था और उसका जो सर है, सर का नाम है एम हेमल, उन्होंने उनको बोला था, स्टूडेंट्स को बोला था कि आप सब पार्टिसिपल्स जो है, यानी हम जो पढ़ते हैं पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स आप सब सीख के आना। तो जैसे कि स्टूडेंट बहुत शरारती था तो उसने सीखा नहीं अच्छे से, तो जो
पहले दिन जो मतलब वो उस दिन जो स्कूल जाने वाला था, तो पहले उसको लगा कि क्यों ना मैं स्कूल बंक करके साइड में जो मार्ट है उसमें चला जाऊँ और खेल कूद करूँ, क्योंकि मैंने तो अच्छे से सीखा नहीं, सर ने जो बोला था पार्टिसिपल सीखने के लिए मैंने तो सीखा नहीं, तो हो सकता है सर हमें डांटे, स्कोल्ड करे, सर यानी मिस्टर MML हमको डांटे स्कोल्ड करे। तो उसी डर से वो चाह रहे थे कि उसका साइड वाला जो स्कूल का साइड में जो मार्ट है, बड़ा फील्ड है, उसमें वो चला जाए। उन्होंने जब देखा कि वो वाला जो दिन था वो काफ़ी एक मज़ेदार दिन था, काफ़ी एक मतलब सनी डे था, चारों तरफ बर्ड्स जो है वो चिरपिंग कर रहे थे, यानी बर्ड्स का साउंड आ रहा था, और वो दिन काफ़ी ब्राइट था। उन्होंने देखा साथ में कि साथ वाला जो एक फील्ड है उसमें प्रुशियन सोल्जर्स जो थे, जो तभी युद्ध के लिए प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, वो भी ड्रिलिंग कर रहे, ड्रिलिंग यानी वो परेड कर रहे, गन प्रैक्टिस कर रहे, ये सब वो कर रहे स्कूल के बाजू वाला जगह में। लेकिन उनको लगा कि ये सब जो चल रहा है, यानी सोल्जर्स जो कुछ कर रहा है, वो सब चीज़ें पढ़ाई से बहुत ज़्यादा सुंदर है, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई करने से अच्छा होता कि वो उसी दिन स्कूल को बंक करके वहाँ पर जाकर प्रुशियन सोल्जर्स का जो ड्रिलिंग है उसको ही वो देखते रहे। लेकिन वो बाद में कह रहे लास्ट में कि मेरे मन में इतना तो शक्ति ज़रूर था कि मेरे मन को मैंने रोक लिया, और मुझ में इतना दम था कि मैं मेरे मन को रोक कर स्कूल के तरफ मुड़ गया, यानी मैं स्कूल के तरफ चलने के लिए शुरू हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ अभी क्या कह रहा है, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? वो आप बता रहे कि जब वो स्कूल के तरफ मुड़े, जब वो स्कूल के तरफ जा रहे थे, तो जब वो टाउन हॉल करके एक हॉल था उनके स्कूल को मिलने से पहले एक हॉल हुआ करता था, उस टाउन हॉल को जब वो क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो एक बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पर न्यूज़ वगैरह सब लिखा जाता है, मतलब हमारा स्कूल का जो रहता है, मतलब जहाँ पर डेली न्यूज़ फिर आर्टिकल्स वगैरह लगा रहता है, तो वो जो बोर्ड है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो उन्होंने सोचा कि वो बता रहे कि पिछले 2 साल से उनके देश में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण जितना भी बैड न्यूज़ है सब उस बुलेटिन बोर्ड में ही लगाया जाता था। वो जो युद्ध हारे, फिर कमांडिंग ऑफिसर ने क्या क्या कमांड किया, क्या डिसीजन लिया गया, सब जितने भी बैड न्यूज़ है सब वो बुलेटिन बोर्ड में ही आया करता था और उसी से वो लोग पढ़ लेते थे। तो अभी वो मन ही मन सोचने लगे कि इस बार क्या बैड न्यूज़ आया होगा, क्योंकि बैड न्यूज़ ही आया होगा हर बार बुलेटिन बोर्ड में अगर कुछ लिखा हुआ मिलता था उनको तो वो बैड न्यूज़ ही होता है, तो इसलिए वो सोच रहे। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पैरा में क्या होता है। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज apprentice रीडिंग द bulletin called after me, don't go so fast, bub, you will get your school in plenty of time. अभी वो बता रहे कि जब वो दौड़ दौड़ कर स्कूल की तरफ भाग रहे थे तो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वस्टर, जो उस बुलेटिन बोर्ड से पढ़ रहा था सब चीज़ें, उसने स्टूडेंट को बताया कि इतना जल्दी मत भागो, इतना जल्दी भागने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से स्कूल पहुंच जाओगे और टाइम से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड MML's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अभी वो बता रहे कि जब ब्लैकस्मिथ ने ये सब बताया कि तुम धीरे जाओ, मतलब दौड़ के मत जाओ, स्कूल में
अच्छे टाइम से पहुंच जाओगे, टाइम रहेगा तुम्हारे हाथ में। तो उन्होंने सोचा कि शायद ब्लैक स्मिथ उनके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उनका तो पहले से ही लेट हो गया है स्कूल के लिए, तो शायद ब्लैक स्मिथ उनके साथ मजाक कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दौड़ कर सीधा वो जो मतलब एम हेमल का जो गार्डन था, छोटा मोटा गार्डन था, उसके सामने पहुँच गए और बिना कोई सांस लिए एक सांस में वो भाग कर एम हेमल्स के गार्डन तक पहुँच गए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वॉज ए ग्रेट बासल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टील, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। वो बता रहे कि मतलब यूजुअली जो स्कूल जब शुरू होता था उन लोगों का, तब काफ़ी एक शोर मचता था जो कि स्कूल के रास्ते से उन सबको सुनाई दे सकता था। वो स्कूल का डेस्क का या बेंच का खुलना या फिर लगाना, फिर उनका जो सर है एम हेमल, वो उनका जो बड़ा सा एक स्केल था उससे वो टेबल पे मारते थे, उसका भी एक आवाज़ था, वो भी सुनाई देता था। लेकिन उस दिन जो स्कूल पे गए, कुछ अलग था उस दिन। उस दिन कुछ संडे जैसा था, माहौल पूरा ठंड था, एकदम शांत था, कुछ भी वैसे सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी वैसे साउंड नहीं था। और उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं पीछे से जाकर कुछ तरह मेरे सीट पर बैठ जाता हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैं आया। लेकिन वो पकड़ा गए, उनको स्कूल के सामने वाला जो दरवाज़ा है उससे उनको जाना पड़ा, एम हेमल को क्रॉस करते हुए जाकर उनके सीट में बैठना पड़ा। वो बोल रहे कि अभी सोचो मेरे मन का स्थिति, सार के सामने ऐसे जाना, कितना घबराहट था मैं, कितना घबराया हुआ था मैं, थोड़ा बहुत मुस्कुराया भी था मैं, तो वो कंडीशन काफ़ी एक पैथेटिक था मेरे लिए, वो बता रहे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो समझ लो आप बिगेनिंग है हमारा। आज इतना तक ही हम पढ़ेंगे। इसका जितना भी नोट्स वगैरह जो भी है, आपको वीडियो का कमेंट सेक्शन या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका आंसर। आंसर कल सुबह तक आपको मिल जाएगा, मैं ट्राई करूँगा आज रात को ही देने के लिए। और हफ्ते में अभी हम 3 क्लास रखेंगे, अगर ज़रूरत हो तो उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड करेंगे क्लास को। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, मेरे ऊपर सब छोड़ दीजिए। अक्टूबर के 15 तारीख के अंदर अंदर मैं आपका कोर्स ऑल्टरनेटिव इंग्लिश और जनरल इंग्लिश दोनों का कंप्लीट करके रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप एक काम करना, जो मैं देता हूँ, जो मैं बताता हूँ, जो मैं कहता हूँ, उसको बस सुनते रहना, उसको बस मानते रहना। और मैं कहता हूँ कि आपका इस बार रिज़ल्ट अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके मन पे, तो प्लीज़ आपका कमेंट सेक्शन आपका ही है, तो ये ओपन है हमेशा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ओपन है आपके लिए, कभी भी आप कॉल कर सकते हो, कभी भी आप मैसेज कर सकते हो। आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट क्लास एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाई।